हनुमान चालीसा विवाद में जेल गई नवनीत राणा का जेल प्रशासन पर बड़ा और गंभीर आरोप। नवनीत राणा के वकील ने बेल पर फैसले से पहले यह आरोप लगा दिया है कि जेल में नवनीत राणा को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। नवनीत राणा ने इस मामले में स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी। आज नवनीत राणा की बेल पर बड़ा फैसला होना है। शनिवार को सेशन कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। जेल में नवनीत राणा को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही और इस बात को लेकर आपत्ति जो है वो उनके वकील की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही कहा गया कि बगैर सीटी स्कैन के नवनीत राणा का इलाज नहीं, और इस बात को लेकर एक पत्र जो है वो स्पीकर को भी लिखा गया। साथ ही वकील ने कहा कि अगर नवनीत राणा कुछ भी होता है तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। नवनीत राणा की बेल पर आज फैसला आ सकता है और उससे पहले यहां पर वकील का ये बड़ा आरोप है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, आज फैसले से पहले कई बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई, जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी गई, जरा बताइए क्या हलचल है, उसके मायने क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा बताया गया है रिजवान मर्चेंट जो कि नवनीत राणा के वकील हैं उनकी तरफ से कि नवनीत राणा को स्पंडलाइसिस का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ चुका है क्योंकि नवनीत राणा को जेल में फर्श पर सोना पड़ रहा है, उनको गादी या बेड की सुविधा जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि पेन बहुत ज्यादा है। उन्होंने जे हॉस्पिटल में चेकअप कराया जिसके बाद उन्हें सिटी स्कैन एडवाइस की गई थी, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है नवनीत राणा के वकीलों की तरफ से कि आज तक उनका सिटी स्कैन नहीं कराया गया है। जब तक सिटी स्कैन नहीं होता है, दिक्कत का पता नहीं चलता, तब तक आगे ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। और नवनीत राणा को जो दर्द हो रहा था स्पंडलाइटिस की वजह से वो वैसा के वैसा ही है, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति में नवनीत राणा को होता है तो इसके लिए जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। और ये खत जो जेल अथॉरिटी को लिखा गया है वो ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है उनको भी मार्क किया गया। इससे पहले भी नवनीत राणा ने कई तरह की शिकायतें लोकसभा स्पीकर को की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। अब ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि 245 को जब बेल की हियरिंग है तब क्या राणा दाम्पत्य के फेवर में ऑर्डर आता है या नहीं। जी, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा ये भी समझाइए आप, क्योंकि उनकी बेल पर सुनवाई होने वाली है, फैसला आ सकता है, ऐसे में जो लीगली समझते हैं चीजों को उनका क्या मानना है, क्या कहना है कि आज जमानत मिल सकती है या फिर ये माना जाए कि अभी भी जेल जो है वो जारी रहेगी? देखिए, इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि कहना इसलिए मुश्किल है कि जो पूरे मामले में 124 एडिशन का चार्ज लगा गया है उस पर सेशन कोर्ट इतनी जल्दी बेल देता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर जो वकील है बचाव पक्ष, उन्होंने ये कहा था कि इस केस में 124 बनता नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि अप्लाई किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक राणा दाम्पत्य को जेल के पीछे रखा जाए। तकरीबन 8-9 दिन का समय बीत चुका है जब वो लोग जेल में बंद है, और आज जब सेशन कोर्ट ये फैसला सुनाता है तब सबसे बड़ी फैसला ये भी बात पर होगा कि क्या कोर्ट को ये बात में एविडेंस दिखा कि सेक्शन 124 जो कि देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है वो इस पूरे मामले में बनता दिख रहा है या नहीं, ये बेल के ऑर्डर पे भी कहीं ना कहीं सामने आएगा। वहीं जेल अथॉरिटीज की अगर बात करें तो उनका कहना है कि नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जा रहा है, अगर बेड या होम फूड अगर किसी कैदी को लगता है तो उसके लिए जेल से कोर्ट से परमिशन लगती है जो कि नवनीत राणा के पास नहीं है, इसीलिए ये सारी सुविधाएं उन्हें नहीं दे पाते।